किसी की विद्याएं हैं, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या में क्या शामिल है? जप तप संयम पूजा पाठ रस्म रिवाज तीर्थ यात्रा हवन दान ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, बल्कि चारों वेद सारे धर्म पुस्तक इसमें शामिल है, पढ़ लो। ऐसी विद्या जिनका तलक मन और इंद्रियों के घाट हो बुद्धि से, ये है अपरा विद्या। कहते हैं इसमें भूल न जाना कि आपने इंद्रियों के सारे साधन कर लिए, चाहते हमारे प्रभु के दर्शन हो जाए। ये जमीन की तैयारी के लिए है, प्रेषण आदि ग्रह, ये नए कर्म है, नए फल मिलेगा। नेक और बदकर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी, भगवान की जिंदगी फरमाए। जब तक ये जानता है मैं कर्णहार हूँ, जब ये जाने मैं किस करता है, तब जब गर्म जोन में करता हूँ, जब ये जानता है कि मैं कर रहा हूँ, तो उसका रिएक्शन होगा। जब ये कॉन्शियस लेवल के डिवाइन प्लान का बन जाएगा, फिर मैं पुनः न रहा है तो भोगेगा काम। बात तो कहते हैं भाइयों, इस भूल में न रहना कि तुम महापुरुष की वाणी गा रहे हो, या बजा कर ढोलों से या म्यूजिक से कुछ कर रहे हो, या उसके एक लाख आप कर रहे हो, जो लिखा है उसको समझो। बात तो आकर गीता के अगर 100 पाठ कर लो, किसी और महापुरुष की वाणी के 1000 पाठ कर लो, खाली तो मैं फिर अर्ज करूंगा, ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा, शायद कभी होश आ जाए, पर पढ़ो समझो उसमें क्या दिया, उसमें क्या दिया भाई। ये संतों की तालीम अनुभवी है, वो अपरा विद्या नहीं, वो अपरा विद्या को नहीं छेड़ते। वो पहला कर्म है, नए कर्म है, नए फल मिलेगा। वो कहते जिसकी पूजा करते उसको देखो, आप पूजा करते हो ना, जोर जगाते हो, घंटी बजाते हो, ये तो है अपरा विद्या। इसका तलक मन इंद्रियों से तलक रखता। कहते अंतर ज्योति जगाओ, अंतर नार का अनुभव कर रहे, जिसकी ये दो चिन्हबाए रखे, ये नहीं करना है उसका अनुभव करना कुछ और, ये है संत मता अनुभव का। मंदिर में जाते हो, वहां ज्योति जगाते हो, घंटे में जाते हो, ये नहीं करना है, ठीक है। मंदिर बनाया था किसका? ईश्वर रूपी मंदिर का नमूना, डोम शेप, गुंबदार शक्ल का। उसमें जाकर घंटा बजाते हो ना, ज्योति भी बजाते हो, ये है नए कर्म। श्री रूपी मंदिर का मॉडल था ये। अंतर उस ज्योति को जगा लो, नाग का अनु, ये है संत मता। ये नाम है पराविद्या। बात समझे? गिरवी में जाते हो, वहां लाइट करते हैं, घंटा बज रहा हो। अब आलिम लोग इसके अर्थ नहीं समझ सकते। मैं लाहौर में था, मेरे नीचे एक ईसाई सुप्रिंटेंडेंट था। मैंने से पूछा कि भाई लाहौर का भी सब सारे हिंदुस्तान में मोस्ट एडवांस गिर जाता है, इससे पूछो कि ये घंटा क्यों बजाते हैं। तो उसने जवाब दिया, इट इज ओनली टू कॉल मेन टूगेदर, लोगों को इकट्ठा करने के लिए बजाते हैं। अरे मंदिरों में तो आप बजा आलिम होना कोई जरूरी नहीं कि वन बजे। बात समझे? अब अपरा विद्या और परा विद्या का डिफरेंस मालूम हुआ आपको? ज्योति जगाते हो, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, परमात्मा नाद हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, सत कीर्तन हो रहा है, ये अपरा विद्या। और ज्योति को जगाना, दिव्य किसी का खोल कर देखना, नाद का अनुभव करना, ये है परा विद्या। ये है संतों की तारीफ अनुभवी को। ये कर्म नेक है, नेक फल मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। जब उसको अनुभव करना हो तो बेड़ा पा रहे। अंशवन जब आता है हिंदू भाइयों में, कहते जो जगाओ आज पर जो जगाते, कहते उसमें ध्यान दो, ये दीवार तुम्हारा चाहिए, अरे दीवार हाथ धोकर रह गया, वो कौन था सुनना है उसमें जी रहा जला। ये है डिफरेंस बिटवीन दी टू। इस भूल में मैं रहा हूं कि आपने अपरा विद्या के 1 लाख, उसमें यह होता थोड़ी सिद्धि आ जाती है। सिद्धि नो स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी नो स्पिरिटिज्म, नो स्पिरिचुअलिज्म, नो मैस्मरिज्म, नो हिप्नोटिज्म। लोग सिद्धि में रह जाते और रिम सिम नामी की दाते जो कंसल्टेशन हायर कॉन्टेक्ट में जाते नेचर बैक इन कॉल पर हो जाते। दुनिया क्या समझ रही है, असलियत क्या है? तो कहते हैं भाइयों, भूल में न रहो,
पढ़ना अच्छा है, गाना बजाओ ठीक है, उसके गुनावाद गाओ, मगर बगैर देखे कि गुनावाद गाना वही बिन देखे सालाना अंदा अंकवा। बड़े पैक टॉक है, ये है असलियत। किसी समाज में रहो, तेल चक्कर धारण करने से अगर किसी भाई का ये ख्याल है उसकी मुक्ति हो जाएगी तो 16 ने झूठ। जिस स्कूल में दाखिलो उस डिग्री को पालो जिसका जिक्र आया है, उसके नूर के देखने वाले बन जाओ, उसकी ज्योति का विकास करो, यही हरिमंदिर है। इसमें बॉडी इज ए टेम्पल ऑफ गॉड, बड़ी डिग्री बाय डिग्री। तो लोग पूछते हैं परमात्मा उसकी नहीं कहते, पहले कान मृत्यु को हटाओ, अंशुति अवतार करो, किसी अनबही पुष्य मिलो तुमको ज्ञान के डिमॉन्स्ट्रेशन दे। सम कैपिटल टू स्टार्ट विद, कोई कहते करे जाओ, अपरा विद्या करे, पाठ करे जाओ, कोई हो जाए, या जब किए जाए स्नान को करे जाओ, ये है अपरा विद्या, ये नहीं कर्म है। मत जिसका ये बोध लाने के ये चीजें बयान कर रही है ना लफ्ज, उसको पाना है ये असरात्म तत्व। और कुछ ध्यान करते हैं, गौर से समझिए, वो कहते हैं जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। मैक्रोकार्डो में जिनकी माइक्रोकार्डो, ब्रह्मंड में तीन प्लेन्स हैं, फिजिकल एस्ट्रल एंड कार्डो, स्थूल सूक्ष्म और काल। हमें परमात्मा ने शरीर दिया है, स्थूल दुनिया स्थूल शरीर, मौत के समय यह उतरता है, सूक्ष्म दुनिया सूक्ष्म शरीर, फिर कारण दुनिया कारण शरीर। जो तीनों के अंतर रहा वो तो आता जाता रहेगा। तीन लोग दसों दिशा, अगर इसे पार नहीं गए तो आने जाना बना रहेगा, स्वर्ग नाग फिर से रहता। देखिए माया हर जगह है, बाहर सूक्ष्म दुनिया में इसको माया कहते हैं, अन्य सूक्ष्म दुनिया में इसे प्रकृति कहते हैं, और कारण दुनिया में इसे प्रधान कहते हैं। जब तक तीनों से पार न जाए आना जाना खत्म नहीं हो सकता। भगवान किसी जी ने गीता में इशारा दिया, बस अर्जुन को उपदेश दिया, जहां पर त्रय गुण विषय वेदा करते, पढ़ना लिखना बिचारा सब तीन गुणों के अंतर है। अर्जुन इससे पार चल, निश्चय भविष्य अर्जुन, तो तीनों के पार जब तक नहीं जाते आना जाना बंद। ब्रह्मंड तक यही हाल, तो पार ब्रह्मंड में चलो, वो हमारा असली वतन है, और ये हम मानव जन्म में ही पा सकते। हम फिर से ऊपर नहीं आए, मनिंद्र के खास के सूर्य जो है कर्म, इसी में बैठे समझते हैं, एंड आओ बी आओ, ये प्रेपरेशन के लिए है, फादी ग्राउंड। नए कर्म है नए फल मिलेगा, जब तक अनुभव जागते नहीं, जिसके सिंबल बनाकर तुम पूजा कर रहे उसको देखते नहीं आना जाना खत्म नहीं। जब तक आपको गुरु जो तीनों के पार मिला हो ना मिले, तुम भटकते रहो। तीनों के पार सतलोक सत्संग पहुंच जाओ, जहां जाकर काल का वहां दायरा नहीं, तुम ऊपर आ गए, तुम दयाल देश में आ गए, ये हमारा दृश्य है। तरुणदास से कबीर साहब कहते हैं, जो कुछ मैंने ये बयान किया है किन के लिए, हंसों के समझाने के लिए, जिनके अंतर विवेक है, काग मिट्टी नहीं रखते, एक ही जन्म में जो फैसला करना चाहते हैं उनके लिए ये उपदेश। इनको तो ऑल मैन का ही, जो भी कहते हैं एक जन्म में फैसला कर, कभी हमारी आत्मा प्रभु की गोद में थी, जब से जुदा हुई अभी तक नहीं गई। अरे जो इसी जनों का ऐसा करना है, ये है फिक्र, जब ये उपदेश उन लोगों को है जो हंस वृत्ति रखते हैं। तो निश्चय यूनिवर्स को हल करना चाहते हो, किसी शत्रु उपस्थित से मिलो जिसने हल किया, ये है तालीम। हम महापुरुषों की बारी पर छोड़ते हैं, कभी डीप इंटू नहीं जाते, वो कहते क्या एक शब्द काफी है समझने के लिए। ये समझ आ जाए किसी अनुभवी पुरुष के पास बैठ जाओ, तुम्हें कांटेक्ट दे दे, झगड़ा पाप है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक के दिल में है, प्रभु कैसे मिल सकता, किन दिन वो कौन सी विधि है जिसे गो साई पृथ्वी का मालिक हमें मिल सकता। हम इसलिए समाज में दाखिल हुए ना, मानव देव के लिए विधि है। आप ही सवाल करते हैं उस्ताद पढ़ाता है बच्चे को, क्या कहता है कौ अलग कौ बे, इसे ये मतलब नहीं कि वो मास्टर जानता नहीं, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए। आप ही सवाल करके आप ही जवाब देंगे, वो कौन सी विधि है जिससे हम प्रभु को पा सकते देख सकते। ये कहता विश्वास जो हर एक इंसान के सामने, किसी समाज में उसे अल्लाह कहो, खुदा कहो, राम कहो, विश्वम्बर कहो, कुछ कहो, हम सारे आखिर सैकड़ों आशिक रहे, दिलाराम सबका एक है, मजबूत मिलने जुना है, काम सबका एक,
ए हो बी हो सी हो, कौन हो, संत हो, कैसा संत हो, कहते ऐसा संत, कैसा, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता, सहज के सुख के देने के समर्थ हो। सहज किसको कहते, सहज की तारीफ एक कर्म है, इस्तेलाह है, जिसके खास मखसूस माने हैं। तीन गुणों में सहज न उपजे, मन मुख भरम पुलायन, चौथे पद में सहज है गुरमुख पद पर। तीन गुणों से पार गया हूं, त्रिगुण अतीत अवस्था को पाया हूं, और त्रै गुण विचार वेदा का जुटा था। कहते ऐसा संत हो जो पिंडन ब्रह्मन के पार जाकर अपने घर पहुंचा और हमें वो घर दिखा सकता हो, मैं मारू वेद बताई बता सकता हूं, ये न कर पड़े जाओ जो हो जाए, ऐसे महत्व तो दुनिया भरी पड़ी है, ये करे जाओ तुम कौन दिया गया है नाम लिखा बस पहुंच जाओगे। अरे कैसे पहुंचेगा माफ करना, जैसे मैंने कहा मिसाल दी कि नहीं, पढ़े जाओ पढ़े जाओ, पढ़ने से तो समझना है ना, समझो, समझा है तो उसको पाओ। तो कहते कोई हो, संत वैसे किसको कहते हैं, हमरो पत्ता बड़ो विवेकी, आपे संत कहा है, हमारा पत्ता प्रभु बड़ा विवेकवान है, जिसमें वो प्रगट होता है उसको संत कहते हैं। तो मैनिफेस्टेड गॉड इन मैन का नाम संत है, इंसानी से तो रखता है। तो बड़े प्यार से कहते त्रिगुण अतीत अवस्था को पाया, कोई हो कोई स्वाद कोई आन मिलावे, समझे, कौन प्रीतम को जो प्यारा है क्या देंगे, क्योंकि मैं अपने आप को बै खरीद कर देता, किस लिए, हर दर्शन देख करके साथ बात समझे, बड़े प्यार से समझा। कहते जरूर पहले कोई हो ऐसा संत हो जो त्रिगुण अतीत अवस्था को पा चुका हो और हमें वो दे सक, और वो रास्ता दिखा दे, ये न क्या करेगा अपने आप हो जाएगा, जप करना अच्छा है पढ़ना अच्छा है ना पढ़ने से, पर जिसका जप करते हो जिसका पढ़ते हो जिसके बारे में उसको पाना है ना, तो बुद्धि से हमने काम लेना है। हम बैठे सोच रहे हैं ना बात को कि प्रभु कैसे मिलता, समझ आ गई, ये भी समझे अंतर में है, हमारी आत्मा की आत्मा है वो ज्योति स्वरूप है, ये क्या हमने देखा, तो देखो सारे महापुरुष दवाई दे रहे हैं क्या है, वो क्या तालीम देता है ऐसा संत, वो कहते हैं परमात्मा तुम्हारे अंतर के अंतर में है, वो तुम्हारा जीवन आधार है, मगर वो अलख है, जब तो तुम इंद्र के घाट पर बैठे उसको लख नहीं सकते, अंतर अलख न जाए लख्या, जब तो तुम इंद्र के घाट पर बैठे ऊपर नहीं आते उसको पा नहीं सकते, हमें नजर क्यों नहीं आता, विच पर्दा हो मैं पाई, ये देह प्यास की हो मैं है, ये जब तक इससे ऊपर नहीं आते ये रुकावट उसके दरमियान, जब तक जिस्म जिस्मानी से ऊपर नहीं आते तब तक वो मिल नहीं सकता, इंद्रियों का घाट इंद्रिय सूल भी है सूक्ष्म भी है कारण भी है, कम और कम स्थूल इंद्रियों से ऊपर आओ, ये लेटा खत्म होगा तो ऊपर आओगे तो थोड़ी मैनिफेस्टेशन होगी, और सूक्ष्म उतारक और ज्यादा कारण उतारक फुल। तो कहते हैं वो क्या तालीम देते हैं, पराग दे वही संत मतलब जिसको कहते हैं अनुभव देते हैं, वो कहां है कि तुम्हारे अंतर के अंतर में, अरे समाजों के लेबल लगाए हैं जिसम पर, ये विद्या पृथ्वी पर जाने की, अपने आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके प्रभु की गोद में जाने की, उसको अल्लाह कहो खुदा कहो राम कहो किसी नाम से याद। तो कहते हैं कि ऐसा सत्य वो पराग दे की तालीम देता, हमें क्यों नहीं मिल जाता, क्योंकि हम देह चाहते हैं, ये बजर का पाठ है, इसके ऊपर आने के लिए योगियों ने सैकड़ों वर्ष लगाए, नीचे चक्र तय करके ऊपर आते थे, तो कहते हैं देह था इसके ऊपर आओ, तो महापुरुष क्या करते हैं आपको इसका अनुभव दे देते हैं, पहले दे दी हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियस, बात वही कह रहे हैं कबीर साहब और गुरु नानक साहब कंटेम्पररी रहे हैं 48 ईयर्स, एक वो सिलवान में कर रहे हैं बात, ये पंजाबी में कर रहे हैं बात, तो बात समझाई, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता में मुबारक दे बताए, ये कहना कि परमात्मा जिससे ऊपर आओ आप कैसे आओगे भाई, जो आगे इंद्र के घाट का हम रूप बने इंसान है, साधन जितनों का जिक्र किया गया अपरा विद्या का, सबको तलक इंद्र के और मन और बुद्धि से है,
तुम इसे ऊपर कैसे आ सकते हो? कोई आ सकता है? खुशी की बात है, चिंता ही थी, हमने को दुआ के चाहिए। तो वे आप कोई समर्थ पुरुष हो, थोड़ी तवज्जो दे, वे आप कर दे, आपके हृदय की आंख अंतर की खोल दे, सदगुण मिले, तरसी उठे तो काम बन गया। तुझे समथिंग टू स्टार्ट विद एडवांस। आम महात्मा, ऐसे महात्मा कितने लोग मिलते हैं जो आपको एडवांस समथिंग टू स्टार्ट विद दे, राइज अब बॉडी कॉन्शियसनेस कर सके। लेने वाला कहे कि मुझे दीदी अच्छी, तो उसको बढ़ा लो। आम महात्मा तो यही आपको अपना विजय के साथ में बताएंगे, ठीक है नहीं करो, मैं उनका शुक्रिया। मगर जब तक इन शुरू पर नहीं आता, अंदर की आंख खुलती नहीं, उसकी पूंजी देखने की मिलती नहीं, संतन मोह को पूंजी सौंपी, तब तक काम नहीं बनता। नाम का देना किसको कहते हैं? अंदर अनुभव का देना। बाहरी ज्ञान ज्ञान तो कोई भी कर, जाओ इस मंत्र का जाप करो, फलाने का करो, फलाने करो, पूजा ऐसा करो, हवन ऐसा करो, दान ऐसा करो, ये तो कोई भाई से करा सकता थोड़ी ट्रेनिंग के बाद। अरे इन के घाट के ऊपर लाकर वे आप करके उसकी कुछ पूंजी देना, ये संतन वो को पूंजी सौंपे, कहते ये तालीम वो देते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सारा जहान ही माया में घूम रहा है। माया कहां से शुरू होती है? अभी मैंने जिक्र किया था, माया ए शरीर मूल है, माया शरीर से हम देहधारी हैं, देह का रूप बन गए, इनको तो घाट पर जिसम जगत का रूप बन रहे हैं, अपने आप को दूर है, यही माया। तो कहते हैं सारा जहान इसी में सो रहा, ये भ्रम कैसे मिटे? कोई जितना हुआ मिले तो ही बता देना कौन है। कहते कोई हो, माया कहां तक मार करती है? पिंड अन ब्रह्मण तक। कौन हो, कौन इसे निकाले? पहले पिंड से ऊपर लाए, फिर अन से, फिर ब्रह्मण से ऊपर लाए। कहते कोई ऐसा संत शायद सुखदाता, मैं भारत दे बताया, बात समझे? इस भरम में दुनिया जा रही है, कोई निकला हुआ निकाले ना, कौन निकाल सके? जो पिंड से आप ऊपर नहीं गया, तुमको कैसे ले जाए? चोच मिलावे राम से उन्हें मिले जो, किसी महापुरुष की रेत किसी में है कि आपको समथिंग टू स्टार्ट में इसकी डिमांडस्ट्रेशन दे सके। पिंड से थोड़ा भी आए, रोज रोज करो, गुरु मुखा में जाए निकल। तो आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर रूपी मंदिर में बात कर रहे हैं। मन आत्मा बाहर मन इंदों के घाट और फैलाव के कारण बाहर भटक रही है, अंतर हटे तो उसके पास वो क्या कहते हैं? यही एकासंग टिकट ग्रह बस्ते मिल भात न करते भाई, अफसोस का मुकाम। मानस दिन हम उसको पा सकते थे, वो ख्वाहिशात के लोभ में फंसा हुआ इंसान दुनिया में भटक सकता। मानव जन्म पाकर बाहर की ख्वाहिशात की खाज ने इसको उधर जाने इससे निकलना नसीब नहीं हुआ। बात करें तो मानव जन्म हम बड़े भाग्यशाली, हमको मिल चुका महापुरुषों की ये तालीम है, बड़े साफ है। अब इसका कोई इलाज? इंसान के अंदर एक अनमोल वस्त चीज पड़ी है, उसको ना पाने के कारण पांच डाकू लूट रहे, काम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। वो बस कौन है? हम उसको क्यों नहीं पा सकते? नाव कर गए जो कामड़ भूली, बस अनूप न पाई। नाव करों को जो देख कर रू आत्मा बाहर भटक रही हो, उसको पा नहीं सकती। नौ घर कौन है? इस शरीर में नौ दरवाजे हैं, दो आंखों के, दो कानों के, दो नाक के, मुंह और दो नीचे। जो आत्मा से बाहर भटक रही है, इसके अंतर प्रभु आप बैठा जीवन खा रहा है हमारा, वो उसको कैसे पा सकते? उसको ना पाने के कारण काम करो लोग हमें हमला कर रहे हैं। आपको पता ये चीजें कहां से हमला करते हैं? इनके सेंटर है जिसमें काम हमला करता आंखों से, क्रोध हमला करता कानों से भड़कता, मोह हमला करता है कंठ के साथ लगने से। तो जब तुम ऊपर आ गए, नौ दरों को छोड़कर बैठ दिया, दसवें द्वार जो है नौ द्वारे प्रकट किए, दसवें गुप्त रहाया, नौ द्वारे प्रकट दसवें बैग दिया जाए, ऊपर जब तेजों के घाट से ऊपर नहीं आता स्थूल से, उस अनुभव बस प्रभु खुद बैठा है इसके अंदर, उसको पा नहीं सकता। आप जब दिशा पढ़ते होंगे सिख भाई खासकर, मत विच रतन जवाहर माणक जे सिख गुरु की सिख सुन, तुम्हारे अंतर वो हीरे ज्वाहरात उस पर वो खुद बैठा। अगर तुम गुरु के एक शिक्षक को धारण करो, अगर एक चोर हो माफ करना, रात का समय मिल जाए एक मकान में और उसमें हो कोई नहीं,
तो उसको पता हो कि इसके फर्श के नीचे खजाना दबा पड़ा है, तो क्या वो सो रहेगा चुपचाप? वो रात ही रात खोज कर निकालेगा। अरे मुगल पूछिए कैसे परमात्मा तुम्हारे घर में है, कभी ख्याल आया कि हम निकाल लें? हिंदू निकाल ले उसका, सिख जामे में निकाल ले उसका, तुम्हें किसी बाहरी लेबल है ना, तो सबके लिए एक ही चीज है, वो अंतर बैठा है जो उसको निकाल। ए वडूचा हुए को किस ऊंचे को जाने को, उस लेवल पर जाओगे तो उसको देख सको। क्या हम परमात्मा को देख सकते हैं? सवाल यह महापुरुष कहते हमने देखा। हवा में क्या कुछ नहीं है? मेरा करो, क्या हवा में कुछ नहीं है? है। हमें नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारी आंख स्थूल है, हवा सूक्ष्म है। अगर खुदबीन के आगे से हम देखेंगे, उसका खासा एक चीज को 700 गुना मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाने का, उसमें देखोगे तो कीड़े मकौड़े भरे हुए नजर आएंगे, जो अब भी हैं, या जो हवा में है इतना मैग्नीफाई हो जाए, हमारी आंख के लेवल में आ जाए, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म हो जाए, इस लेवल में आ जाए, देख सको। महाप्रभु हमारी सूक्ष्म आंख खोल देते हैं जीव शिशु को, जिससे अति का परिपूर्ण परमात्मा नजर। तो बड़े प्यार से समझा रहे, मिसाल देकर समझाते हैं। बाहरी मिसाल लीजिए, एक मकान हो, मालिक ने मकान बनाकर जंदा मारकर कुछ एजेंट को दे दी हो, अगर हम उसमें दाखिल होना चाहते हैं तो किसके पास जाएं? जिसके पास कुंजी है वो कुंजी जंदा खोले अंतर हम जा सकते हैं। ये तो है बाहर की मिसाल। बाहर के मकानों का ये हाल है कि जिसके पास कुंजी है, जब तक वो न खोले दरवाजा हम जा नहीं सकते। कहते ये ग्रह जिसने बनाया, किसने? परमात्मा ने। जिसका ग्रह तिन दिया ताला, उस परमात्मा ने मकान को बनाकर डंडा मारकर कुंजी गुरु को सौंप दी। अब क्या करो? तो उसके अंतर दाखिल जिसके पास कुंजी है उसके पास जाना पड़ेगा ना? नहीं, अगर जतन का लो अंदर नहीं जा सकते, इंद्र को घाट से ऊपर नहीं आते। यू कैन टैप इन का, अंदर टैप करो भाई, समझे? राह खोजा अपने अंदर, रास्ता पाया, बेहतर अंदर रास्ता ही नहीं मिलता, पृथ्वी ऊपर जा नहीं सकते। हमारी पिन का रूप बने बैठे हैं, साधन करते हैं अपरा विद्या का, जिनका सड़क बंद इंजों के घाट से है, हम इसी ऊपर कैसे जा सकते? काम यू कंसिडर करिए। गुर कुंजी पाही निवल मन कोठा तन छत, गुरु कुंजी है ये इंसान पैरों वाला जंदरा है, मन का कोठा तन की छत लगी पड़ी है, गुरु बिन मन का ताक न गुड़े और न कुंजी। बात समझे? ये बजल की बात है। सैकड़ों वर्ष योगियों ने लगाए पृथ्वी ऊपर आने के लिए, अरे अनुभवी पुष्प मिलेगा, थोड़ी तवज्जो देगा तुम पहले ऊपर आ जाओ, वे आप करता। इसे महापुरुष की ग्रेस तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, गौर से समझे। कहते जिसका ग्रह हो उसने इसको जन्म मार दिया हो, ये ग्रह किसने बनाया? कुदरत ने, परमात्मा ने। इसको जन्म मार कर उसे कुंजी गुरु को सौंप दिया जिसमें वो मैनिफेस्ट है। आप ही बाहर जन्म मारता और आप ही किसी इंसानी फौज में प्रगट होकर उसे खोलने आ जाता। सदगुरु किसको कहते हैं? सदगुरु रिया पर भूले, वो परिपूर्ण परमात्मा का नाम सदगुरु, जिसको वो परमात्मा दया करता है, अपने साथ मिलाना चाहता है, उनकी साधु के संग में प्रीति दे दे। जिनके बंधन काटे सदगुरु तिन साधु संगत ले लाए, उसे साधु की संगत में लेव लगा देता है। साधु किसको कहते हैं? साधु प्रभु भिन्न भेद न भाई, वो हमारी तरह पैदा होता, हमारी तरह बाहरी बनावट अंदरूनी बनावट है, उसके अंतर उसकी आत्मा मन आजाद होकर उसको अनुभव कर रही है, हमारी आत्मा बाहर भटक रही है। बात साधु प्रभु बिन भेद न भाई, समझे? तो परमात्मा जिसको मनाना चाहे, जिसमें वो प्रगट है, उसकी शोभा से प्यार ले देता है। बस ये उसकी पहली निशानी है। फोर शैडो ऑफ द कमिंग इवेंट कहो, बारिश आती है पहले बादल आए तो बारिश की उम्मीद, इस सब फोर शैडो को अनुभवी पुरुषों समझो, परमात्मा तुमको लेने के लिए आ गया। जिन तुम भेजे चुनी बुलाए सुख सहज खेती कराओ, चलो भाई अपने घर। वो दुनिया को खाली करने आते हैं, घर पहुंचाने के लिए आते हैं, दुनिया को आबाद करने के लिए नहीं।
लेना देना खत्म कर चलो अपने घर। परमात्मा ने जब कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक तो लाइट हुई, एक साउंड प्रिंसिपल, संतों के अंतर वो मुझे समय वो तुमको से जोड़ देते हैं, पृथ्वी ऊपर लाकर कहां पहुंचाएगी जहां से उसका ऊपर। अब ये सीधा अभियान किया है प्रभु के पाने का। पहले सवाल था कि प्रभु कैसे मिलता, पहले कहा कोई हो संत हो, ऐसा संत हो जो त्रिगुण ठीक अवस्था को पा चुका हो, तो वो तुम्हारे अंतर के अंतर में ये हो, बड़ा विद्या की तालीम देते थे। हम क्यों नहीं पा सकते क्या, हे इतिहास हमारा फिजन बारी से राय जब नहीं हुए, तो क्या सारा ज्ञानी मोह माया में ढूंढा है, इस भरम से कैसे निकले, कोई निकला हुआ मिले तभी। फिर क्या कहते हैं ये ग्राह जिसने बनाया थे कुंजी गुरु को सौंप दिया, जाओ गुरु के पास, जिनको प्रभु मिलाना चाहता है ऐसे पुरुषों की शोभा दे देता है, वो अंदर जाने वाले अंदर जाने वाला बन जाता है। वो क्या उसके पास क्या है राजा, वो मंगल गाया जा रहा है जो वीर का भी शेर उसे जोड़ देता है, कहां पहुंचाता है जहां से उसका अवसर में। वो कौन सी विधि है जिससे पृथ्वी का मालिक मिल सकता है, कितने इन विधि मिले बताए, ये सीखा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार 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 हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।